हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रियल टिप्स। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आपके अपने पेटीएम कार्ड को गाइस आप जो रुपए कार्ड होता है उसको वीजा कार्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि गाइस अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है उसके लिए गाइस आपको चाहिए वीजा कार्ड, तो गाइस वीजा कार्ड आप कैसे बना सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइस वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक आपको देखना है। तो गाइस लेके चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और गाइस लाइव आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसको ले सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री में। गाइस दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, जैसा कि मेरे हाथ में यहां पर है रुपे कार्ड, आप देख सकते हो ये वाला रुपे कार्ड यानी कि डेबिट। गाइस यहां पर ये देख सकते हो ये मेरा ही कार्ड है जसराम मीणा, और गाइस यहां पर देख सकते हो ये पेटीएम पेमेंट बैंक का कार्ड है, ठीक है। और साथ में गाइस मैं आपको जो मैंने अभी जो लिया है वो वीजा कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी मेरा ही कार्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पर नाम जसराम मीणा, बट यहाँ पर देख सकते हो आप वीजा कार्ड और यहाँ पर रुपए कार्ड। देखो इसमें ये वीजा कार्ड होता है, ये रुपए कार्ड होता है। अब गाइस रुपए कार्ड में क्या होता है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो गया कि गाइस अगर आपको जैसे गूगल प्ले स्टोर पर कोई एप्लीकेशन अपलोड करनी है तो उसके लिए पैसे देने हैं, तो गाइस आप इस रुपए कार्ड से वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आपको चाहिए गाइस यहाँ पर वीजा कार्ड। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये वीजा कार्ड चाहिए, तब जाकर गाइस आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो गाइस इसके लिए आपको करना क्या है, क्या क्या स्टेप है, तो गाइस यहाँ पर बहुत ही मात्र एक सेकंड का काम है, ज्यादा कुछ नहीं है, मात्र एक मिनट में आप यहाँ पर कर सकते हो। सो गाइस आपको अपना पेटीएम ओपन करना है। फर्स्ट चीज आपके पास अपना पेटीएम पेमेंट बैंक होना चाहिए, ठीक है, और साथ में गाइस आपको पहले आपके पास रुपए कार्ड होना चाहिए, ओके, उसके बाद में ये आप ले सकते हो। यानी कि रुपए कार्ड को आप चेंज कर सकते हो वीजा कार्ड में। सो गाइस आपको अपना पेटीएम ओपन करना है। पेटीएम ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर पेटीएम बैंक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे पेटीएम बैंक ओपन करोगे आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड डाल देने हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर अपने पासवर्ड भी डाल दिए हैं। उसके बाद में गाइस आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर बैलेंस वगैरह आपका बता दिया जाएगा, आपको नीचे स्लाइड करना है। देन गाइस आप जैसे नीचे स्लाइड करोगे तो आपका यहाँ पर कार्ड देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, आप जैसे कि मेरे यहाँ पर वीजा कार्ड दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर रुपए कार्ड दिखाई देगा, ओके। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर मैनेज कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैनेज कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉक कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, ब्लॉक कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना। दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि मेरे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टेम्परेरी ब्लॉक, ठीक है, ओके, आपके टेम्परेरी ब्लॉक एंड गाइस परमानेंटली ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों आपको परमानेंटली ब्लॉक कर देना है, अदरवाइज कोई भी रीजन बता देना है, कोई भी आप रीजन बता सकते हो भाई क्यों ब्लॉक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर भी आपको सेलेक्ट कर देना एंड ब्लॉक कर देना। जैसे गाइस आप ब्लॉक कर दोगे तो गाइस आपका रुपे कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, और गाइस ऑटोमेटिक आपका वीजा कार्ड बन जाएगा, ठीक है। अब गाइस वीजा कार्ड को आप मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर बाय डेबिट कार्ड, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अगर आपको कार्ड मंगवाना है, ठीक है, जैसा कि ऐसा कार्ड मंगवाना है बट ये वीजा में आएगा, ठीक है, ऐसा कार्ड चाहिए एटीएम, तो गाइस आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। बट अगर आप कार्ड नहीं मंगाना चाहते तो गाइस आप यहाँ पर आपको ये कार्ड देखने को मिल जाएगा, एंड गाइस व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपकी और डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप रुपए कार्ड को वीजा कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा आपके ये स्टेप समझ में आ गई होगी और बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप यहाँ पर कर पाओगे इजी तरीके से। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटे को ऑल पे प्रेस कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।